प्यार को क्यों धिक्कारे। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए। प्रौढ़ शिक्षा के पर्यवेक्षक या प्रेरक, लक्ष्य समूह तथा विकास के विभिन्न विभागों के बीच का संपर्क सूत्र है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रौढ़ शिक्षा के सभी केंद्रों के सफल संचालन का भार, याद रखिए, पर्यवेक्षक पर ही निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं पर्यवेक्षक की सफलता की कहानी को। राम राम भैया, राम राम। आइए बैठिए, अखबार पढ़ रहे हैं जी। कोई खास खबर है क्या? नहीं भैया, वो कुंभ मेले का समाचार पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा अरे हाँ, ये देखिए कुछ किताबें हैं। हाँ, ये दो किताबें हैं केंद्र की तरफ से। अच्छा भैया। अच्छा सुनिए, प्रधान जी हैं क्या? हाँ, घर पे थे सुबह। अच्छा, राम राम। राम राम। अरे तुम सब लोग यहाँ पर हो, क्या हो रहा है? नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है? बस ठीक है, पढ़ाई चल रही है। अब तो हमने ये किताब भी पढ़ ली है। अच्छी बात है, तो हम तुम्हारे लिए और किताबें भिजवा देंगे। और तुम्हारा क्या हाल है? अब तो हम मुनवा को भी पढ़ा लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम जाती हो ना केंद्र में? हाँ जाते हैं। और गीता, तुम्हारी दीदी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, खूब अच्छी तरह से पढ़ाती हैं, अब हम चिट्ठी भी पढ़ लेते हैं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, फिर आइएगा। और मित्तल भैया, ऐसे बैठे क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इस गांव में आया था तब से और आज में कितना परिवर्तन आ गया है। गांव के अधिकांश लोग साक्षर हो चुके हैं और अपना काम और दक्षता से करने लगे हैं। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल गई है। अच्छा भैया, एक बात बताओ, पर्यवेक्षक और प्रेरक के रूप में आपने ये सब किया कैसे? मैं जब इस गांव में आया तो सबसे पहले मैं प्रधान और गांव के दूसरे बड़े बुजुर्गों से मिला, उनके सुख दुख में हिस्सा लिया, उनसे संबंध बनाए और उसके बाद मैंने यहाँ का सर्वेक्षण किया।
नमस्ते प्रवेशक। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, हम तो आप का इंतजार कर रहे ना। अरे माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कौन बात है? ये हमारे गांव के अध्यापक जी। जी नमस्ते। और ये पर्यवेक्षक साहब। इस गांव वालों को तो मैं भी समझाते समझाते परेशान हो गया, फिर भी पढ़ाई लिखाई की बात इनकी समझ में नहीं आई। अरे सब समझ जाएंगे, अगर आप जैसे लोग हमारे साथ होंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हमारे लायक जो सेवा हो हम हाजिर हैं। सबसे पहले हमें सर्वेक्षण करना होगा, गांव में कितने लोग निरक्षर हैं ये जानना होगा और उन्हें शिक्षा के लिए समझाना होगा। उसके बाद केंद्र कब और कहां लगेगा ये सारी बातें उनसे जाननी होंगी। हाँ हाँ, और कुछ? और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हीं लोगों में से पढ़ाने के लिए एक अनुदेशक का भी चुनाव करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, तो फिर ऐसा किया जाए कि गांव में चल के लोगों से मिल लिया जाए। तो फिर सारी बात तो तय हो गई, अब ये बताइए कि शुरू कहां से किया जाए। हम तो चाहते कि हम अपने इलाके से शुरू कर दें। हाँ और क्या, तो ठीक है वहीं से करते हैं। तो चलिए फिर आइए आइए। धनीराम प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सब ठीक तो है? आइए बैठिए। तो धनीराम ये पर्यवेक्षक जी है, ये तुमसे कुछ पूछिए। तो भैया धनीराम कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? तो साहब कुछ हो नहीं पढ़े। अगर आपको पढ़ने लिखने की सुविधा आप ही के गांव में मिल जाए तब तो पढ़ेंगे ना। भैया अब इस उम्र में पढ़कर कहाँ करे, और फिर काम धंधे से भी तो फुर्सत नहीं मिलत है। अरे क्या बात करते हो धनीराम भैया, पढ़ाई लिखाई का उम्र से क्या संबंध? पढ़ाई लिखाई तो किसी भी उम्र में और कभी भी शुरू की जा सकती है, समझे ना। हम मगर वो रही समय की बात, तो उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। जिस समय आप चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, उस वक्त ही केंद्र लगेगा। और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि पढ़ाने वाला भी आप ही लोगों के बीच का आदमी है। अरे भैया धनीराम, कुछ पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे ही बाल बच्चों का भला होगा, और फिर चिट्ठी पत्री भी तो तुम्हें पढ़ना आ जाएगा ना। तो धनीराम तुम्हारा नाम तो नोट कर लिया गया, ठीक है ना। अब जब गांव में केंद्र लागे तब तुमका खबर कर दिया जाए। और सुनो, महिलाओं के पढ़े खातिर एक अलग केंद्र बनावा गया, उमा सारी महिलाएं रही है तो अपनी घरेतीन का ही भेज दियो। क्षेत्र में योगदान देने के बाद पर्यवेक्षक का पहला कार्य सर्वेक्षण करना और लोगों से संपर्क करना है। इसके लिए वह गांव में जाता है, गांव के बड़े बूढ़े ग्राम प्रधान से संपर्क करता है, साथ ही गांव के पढ़े लिखे लोगों की मदद भी लेता है। हाँ तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों का मालूम है कि हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं हैं, है कि नहीं। तो आप लोग पढ़े लिखे के वास्ते यहाँ एक केंद्र खोला जाए जिमा आप लोग का पढ़ावा जाए। अब आप लोग का पढ़ावा कैसे जाए, शिक्षा आप लोगों का कैसे दी जाए, इस बारे में हमारे मित्तल भैया आप लोगों का जानकारी दे हैं। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। आइए भाइयों और बहनों, सरकार द्वारा इस गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप लोगों को का खा गा घा पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा या फिर गिनतियां सिखाई जाएंगी। इसका मतलब है कि जिन शब्दों से आप परिचित हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं परंतु उन्हें लिखना पढ़ना नहीं जानते और उसकी वजह से परेशानियों का सामना करते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोगों को सम्मान देते हैं, देते हैं या नहीं? तो सोचिए, इस सम्मान के हकदार आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अब आप लोगों को सोचना है कि आप निरक्षर ही रहना चाहते हैं
और बाकी जिंदगी भी इसी तरह से बिता देना चाहते हैं, या फिर साक्षर होना चाहते हैं और अपने बाल बच्चों का भी भविष्य सुधारना चाहते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, धन्यवाद। तो भैया सही कह रहा है भैया मुनिराम जी। हाँ भैया और क्या भैया, तो बहुत जरूरी। हाँ तो भाई अभी मित्तल भैया आप लोग का कुछ जानकारी दीन, सब लोग ध्यान से सुने हुई हो, तो आप हमका ही बताओ कि कौन कौन पढ़े का चाहते। वाह ये तो सभी लोग पढ़े तैयार हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ ले हो तो अच्छा ही है। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उन्हों का खबर कर दियो। अरे काहे नहीं यार, आगे वही लोग पढ़ ले है कि नहीं। तो अब हम लोग चले फिर। आइए चले। अच्छा त्याला चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। नमस्ते। नमस्ते। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना? जी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। मैं प्रौढ़ शिक्षा का पर्यवेक्षक हूँ, इस गांव में महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी सहायता की जरूरत है। जी हमारी सहायता आपको पूरी मिलेगी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। सोनलाल बात ये थी कि गांव में महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू किया जा रहा है, गांव के काफी लोगों से इस बारे में बात हो गई, मैं ये चाहता था कि तुम इनको भी पढ़ने के लिए उस केंद्र पर भेजो। अरे अभी पढ़ो की क्या करिए साहब, घर के काम करो। क्यों भैया तुम पढ़ लिए तो इनको नहीं पढ़ने दोगे? अरे भाई पढ़ाई तो हर एक किसी के काम आती है और हर उम्र में काम आती है, भेजो ना इनको। अरे भाई तुम जइयो पढ़ाए। अच्छा तुम कहा दो तो हम चले जाओ। अब ठीक है साहब, जब इनका इच्छा है तो फिर जाइए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी चलते हैं। जहाँ तक सर्वेक्षण का सवाल है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि यदि पर्यवेक्षक अनुदेशक के सहयोग से खुद ही सर्वेक्षण करता है, लोगों से संपर्क स्थापित करता है, लोगों का विश्वास जीतता है, उनमें घुल मिल जाता है और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है, तो सर्वेक्षण सही होता है और केंद्र अधिक सफलता से चल पाते हैं। सरोज सरोज ये मित्तल साहब प्रौढ़ शिक्षा के प्रेरक हैं और हमारे गांव में भी एक महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो मैंने तुम्हारे बारे में इनसे सब कुछ बता दिया कि तुम आठवीं पास हो। सरोज मुझे ये बताओ कि इस गांव में पढ़ी लिखी महिलाओं की स्थिति क्या है? यहाँ पे काफी महिलाएं ऐसी हैं जो निरक्षर हैं, कुछ भी नहीं जानती पढ़ना लिखना, पर हाँ दो चार हैं जो जैसे गिनती अपना नाम या ये सब लिख लेती है, पढ़ लेती है। बात ऐसी है कि महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के लिए हमें एक महिला शिक्षिका की जरूरत है। सरोज हमारे पास तीन चार नाम और आए हैं, तुमसे मिलकर के मुझे लगा कि तुम्हारे नाम पर भी विचार किया जाए अगर तुम चाहो तो। नहीं नहीं ये घर में तो ठीक है कि वो बैठ जाती हैं, हम पढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ स्कूल में जाके हम कैसे पढ़ाएंगे? हाँ तो काफी परेशानियाँ होंगी। नहीं परेशानियाँ आएंगी उसके लिए तो हम तुम्हें प्रशिक्षण देंगे, और उसके बाद भी कुछ परेशानियाँ आती हैं तो हम लोग तो हैं ही। तो ठीक है मैं एक फॉर्म मोहनलाल जी के हाथ तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, तुम भर के भेज देना। अच्छा चले। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, फिर आइएगा। हाँ तो भैया लो आप सभी लोग पढ़ाना चाहते हैं? हाँ प्रधान का है जी। प्रभु जी आजकल आप क्या करते हैं? अब ऐसा है मित्तल भैया कि आप लोगों की कृपा से थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है उसकी देखभाल करता हूँ और बाकी बचे हुए समय में इस गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा देता हूँ। गांव में किसी की चिट्ठी आई तो उसे पढ़ के उन्हें सुना देता हूँ, या चिट्ठी लिखना हुआ तो चिट्ठी लिख देता हूँ, कभी किसी का फॉर्म वगैरह भरना है फॉर्म भर देता हूँ। इस तरह मैं तो गाँव के लोगों की मदद कर रहा हूँ। हाँ वैसे कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक युवक दल भी बना रखा है।
और आप सब लोग? हाँ, क्या है कि मित्तल भाई यही है कि अब प्रभु भाई के साथ ही हम सब लोग मिलके काम करते हैं। हम लोग वही नहीं लोग साथ। अच्छा, तो आप लोग केंद्र कहाँ लगाना चाहेंगे? अपने आंगन में या फिर बरामदे में? मेरा ख्याल है मित्तल भाई, जहाँ सभी लोग चाहें, सबकी सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार हम वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र लगाएं। ठीक है प्रभुदयाल जी, आप अच्छे अनुदेशक बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। और आप सब लोगों को जब हम गांव में दूसरे केंद्र लगाएंगे तो जरूर मौका देंगे। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल। हाँ तो भैया लोग, जैसा भी मित्तल भैया आप लोग का बताइन है कि अभी तो एक केंद्र खुला है उमा पढ़ाई के लिए, प्रभु जी का चुना गवा है। अभी और केंद्र खुली है उमा, आप लोग का भी तो मौका मिली। अनुदेशक का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अनुदेशक उसी समुदाय का हो जहाँ पर केंद्र खुलने वाला हो और उस क्षेत्र के लोगों को स्वीकार हो। दूसरा, कम से कम वो हाई स्कूल पास हो ताकि लोगों को अच्छी साक्षरता का ज्ञान करा सके। तीसरा, उसमें नेतृत्व के गुण हो और समाज सेवा की भावना हो। चौथा, वो स्वयं सेवा के लिए तैयार हो और उसमें दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज गांव सादत खेड़ा के आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और इस सब का श्रेय जाता है प्रधान जी को। प्रधान जी का और मास्टर जी का सहयोग मिला, साथ ही आप लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों से जो सहयोग और स्नेह मिला उसी की वजह से आज ये काम संभव हो पाया है। केंद्र के लिए हमने जगह तय कर ली है और पुरुषों के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के लिए हमने आप ही लोगों के बीच में से श्री प्रभु दयाल जी को अनुदेशक के रूप में चुना है। साथ ही महिलाओं के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के लिए महिला शिक्षिका के रूप में सरोज को चुना है। अब इन दोनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद आपके गांव में महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और पुरुष प्रौढ़ शिक्षा केंद्र विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। बहने पता है गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला है महिलान का पढ़ावे खातिर। सुना है तुम वहाँ पढ़ावे रही हो? अरे हाँ, उस दिन आए रहे लोग तो कहन की वहाँ पे यहाँ तुम पढ़ावे आए। जी भी घर में पढ़ाई थे वही तरह वहाँ केंद्र पर आ जावा की हम पढ़ा देवे। और जानती हो वहाँ पेंसिल कॉपी किताबें सब मिली है जो उन कुछ पढ़े खातिर। तुम सुनती बहनी? हाँ सुन ली। हाँ, केंद्र पर पढ़े खातिर जरूर चली आवा करो। हाँ जरूर आई। हाँ देखो, आज हम तुम सबका काम लिखे बताइए। ये देखो एक हसिया तरह का बना है ना, हसिया समझियो जिससे घास काटी जाए। अगर हम ये हसका मूंद लेते हैं तो यू एक का है गोलाकार, गोल गोल बनाना आधा गोल, और यू आधा गोल बना हुआ है। अगर इका दूसरी तरफ हम कहें तो यू एक आधा गोल बना है हा? और फिर एक हम सीधा डंडा खींचे, यह है आ की मात्रा, एक सीधा डंडा खींचे। फिर यही हसिया में एक हम गोल और छोटा सा लगाए, हसिया बनाए मुंह का, उसके बाद फिर एक गोल में नीचे एक छोटा गोल लगाए। एक हम बेड़ी लाइन या खींचे और एक फिर सीधी लाइन और एक या डंडा खींचे या रेखा, समझो। फिर क्या हुआ कि हसिया वाला जो है यू इका और इका हम जोड़ दिए, यू ये दोनों जुड़ गए। अगर यू करके आधा यू आधा यू, तो यू वाला डंडा नीचे आएगा और यह जो हसिया इधर वाली बनी जाए या आएगी इधर, या देखो गोल आएगी ना। या फिर एक यू डंडा जो इधर वाला है यू हम डंडा खींच दिए नीमा, फिर ये जो हसिया में गोल लगा रहा नीचे इका हसिया तरह का यू बनाए और हसिया में बनाए के इका थोड़ा सा गोल कर दी है। उसके बाद फिर यू बेड़ा डंडा जो ऊपर लगा है ये छोटा सा यू बेड़ा डंडा लगा दी है नीमा और एक डंडा सीधा खींच दी है, और यू जो डंडा खींचे रहा रेखा ई का ऊपर खींच दी है यू करके। अब यू का होगा काम, काम हुआ ना। हाँ तो लिखो सज्जनी। ये हो गया काम।
धाया। जैसे धा से धनी राम, समझ गए आप। और दूसरा अक्षर है ए, ना। लिखिए लिखिए, कोशिश करिए आप लोग, लिखिए ना, लिखिए इकबाल मियां। धान आप सब लोग जानते हैं मगर लिखना नहीं जानते। लिखा कैसे जाए ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने एक छोटी रेखा खींची, देखा आपने, उसके नीचे एक छोटा आधा गोला, उसी तरीके से एक छोटा आधा गोला और, मगर इस गोले को थोड़ा आगे तक बढ़ा लिया। जैसी रेखा यहाँ खींची थी इसी तरीके की एक छोटी रेखा और उसके साथ एक ये इस तरीके से पड़ी हुई रेखा, ये हो गया ध। इसके साथ में हमने आ की मात्रा लगा दी एक, ये रेखा खींच करके, तो हो गया धा। इसको बढ़ाया हमने, थोड़ी बड़ी रेखा खींची और इस रेखा से मिला करके एक रेखा ये गिरा दी। जितनी छोटी रेखा ये थी इसी तरीके की बीचों बीच एक रेखा और उसके नीचे ये गोला, ये हो गया धान। तो बहनी आज की पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, तो आप कुछ गाना बजाना भी हो जाए चाहिए। और आप लोग तो पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत सीख ही गए हैं, चलिए शुरू करिए। पाठ चार खोलिए। हाँ आप भी खोलें। हाँ देखिए, हाँ ये रहा एकता, इधर देखिए, इधर देखिए पाठ चार। हाँ तो इकबाल में आप शुरू कीजिए। गांव में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, कोई किसी भी जाति का क्यों न हो, सबका एक दूसरे से भाईचारा रहता है। शाबाश। हाँ भाई धनीराम आप जरा आगे पढ़िए। कभी सुकराती चाचा होते हैं, कभी रामू काका, तो कभी महावीर बाबा। महावीर बाबा। आप लोग तो बहुत थोड़े समय में काफी पढ़ना लिखना सीख गए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके केंद्र किस प्रकार चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए। केंद्र तो आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक बात आप और बताइए कि अनुदेशक के साथ में आपके संबंध किस प्रकार के हैं? एक सहयोगी के। बहुत अच्छा। मैं हमेशा उन्हें अपना साथी समझता हूँ, कभी भी अपने से निम्न स्तर का नहीं मानता, उन्हें एक समूह के सदस्य के रूप में लेता हूँ। तभी तो केंद्र की शुरुआत से लेकर के केंद्र के समापन तक वो मुझे सहयोगी मान करके मेरे विश्वास को कायम रखते हैं और केंद्र सफल हो पाते हैं। जी बहुत अच्छा। इसके साथ ही साथ एक बात और बताइए कि जब आप अनुदेशक को प्रशिक्षण दे देते हैं उसके बाद आप अनुदेशक से कब कब मिलते हैं? हमेशा, केंद्र की शुरुआत से लेकर के केंद्र के खत्म होने की पूरी अवधि तक। अच्छा, एक पर्यवेक्षक केंद्र की सफलता के साथ साथ क्षेत्र की सफलता में भी सहायता प्रदान करता है। एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में वह क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्र करता है और उन जानकारियों से वह अनुदेशक एवं निरक्षर प्रौढ़ों को सहायता प्रदान करता है और उनसे उनको लाभान्वित करवाता है।
ये तो थी एक कर्मठ पर्यवेक्षक की कहानी। अपने क्षेत्र में सफलता इन्हें मिली अपनी लगन, निष्ठा और मेहनत के कारण। कार्य करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर यदि सही ढंग से कार्य किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। सही ढंग से कार्य करने में आप अपने क्षेत्र में ज्यादा सफल हो सकते हैं, पर यह याद रहे कि प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक के कार्य सामान्य से अधिक मेहनत चाहते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के सफल संचालन के लिए पर्यवेक्षक या प्रेरक की अहम भूमिका है। गांव के युवकों को अपने कार्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी दें। गांव के बड़े बुजुर्गों से संपर्क करें। आवश्यकता पड़ने पर गांव में ग्राम सभा का आयोजन करें। सही अनुदेशक का चयन करें। केंद्र के प्रारंभ से अंत तक उस क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाए रखें। अनुदेशकों को सहभागी समझें। अनुदेशकों को समय समय पर सहयोग दें। निर्धारित समय पर मूल्यांकन करें। पर्यवेक्षक उस क्षेत्र के समुदाय का एक हिस्सा बने। को क्यों धिक्कारे अंधकार को क्यों धिक्कारे अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए।